दोस्तों आप लोग कमेंट आ रहा था कि सागर के विषय में कैसा है, था कि सागर कब तक आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग रात में ही सो गए थे बलौदा बाजार में पम्प में, तो यहीं पम्प में सुरक्षित जगह है तो यहीं रुक गए हैं। इस एरिया हम जानबे करते हैं बहुत डीजल वगैरह चोरी होता है, तो यहाँ पर गार्ड वगैरह सब है, तो यहीं पे हम लोग उस रात में सो गए थे। तो अभी उठे हैं, तो अभी जा रहे दोस्तों, थोड़ा गर्म पानी कराते हैं। गर्म पानी वगैरह सब पीता है लोग, हम भी पीते हैं गर्म पानी। चाय वगैरह बनाते हैं गाड़ी में, बहुत दिन से चाय बना नहीं है, तो चाय वगैरह बना कर पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, जा रहे अभी चाय बनवाने के लिए, फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों ये मेरा गाड़ी में चाय बना है, और ये देखिए अभी बिस्कुट वगैरह ये सब ठीक होली में ठीक होली, तो यही हम लोग चाय बना अभी, तो यही ये देखिए कुछ लिए हैं, खस्ता वगैरह भी लिए हैं ये, इसके साथ थोड़ा चाय नाश्ता हो जा रहा है, फिर अभी निकलेंगे यहाँ से। अबे आराम यार, लगभग ये सब खत्म ही होने चला है, जो चूड़ा वगैरह जो था सब यही चाय में चलता है, सब खत्म ही होने वाला है। ठीक है जी, देख किस तरह का। ठीक है दोस्तों, अभी चाय पीते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों आज हमारा खाना कुछ अलग है, मीट मछली गोभी बंदा को भी तो बहुत खाए, आज हमारा लाल साग। साग थोड़ा हम खाते हैं, पालक साग हो गया या लाल साग हो गया, तो पालक साग मिला नहीं वैसा, उसको लाल भाजी बोलते हैं, लाल साग भी बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा आलू और बैंगन डाल के बना रहे हैं, पालक भी रहता है तो ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा मूली वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मूली नहीं लिए कि थोड़ा ये लोग खांसी वगैरह हो गया अभी, इसलिए नहीं लिए हैं। हल्का फुल्का मसाला देके बस भून देते हैं, ये देखिए आलू बैंगन को भून के अब साग को डाल देंगे इसमें। ये लाल साग थोड़ा खाने में अच्छा लगता है, बहुत चुन के किए हैं, बहुत छांटे हैं चुने इसमें, तब जा कर के ये हुआ है अभी। थोड़ा नमक डाल देते हैं ऊपर, ये देखिए दोस्तों अभी कितना पूरा भरा हुआ था साग, देखिए कितना कम हो गया। साग में पानी भी कभी ज़रूरत नहीं है, खुद पानी अपने आप छोड़ता है। ये देखिए दोस्तों मेरा लाल भाजी देखिए बन गया है, ये देखिए सब्जी बन गया। चलो चले दोस्तों खाना खाने, मेरा आज जो का जो साग खाए हैं वो लिए हैं बहुत शौक से। ये देखिए हमारा लाल साग, मतलब पूरा लाले लाल आज हो जाएगा चावल। ये देखिए दोस्तों हमारा लाल भाजी आज बना है, ये सब भी साग वो भी खाना चाहिए आदमी को। ये हो गया पालक हो गया, ये सब भी खाना जरूरी है आदमी को। दोस्तों खाना पीना तो हो गया हमारा, अभी सब थोड़ा देर आराम भी कर लिए थे हम, रेस्ट किए थे। ठीक है निकलते हैं, देखते हैं अब
थोड़ा समस्या हो रहा है कि छाल के पास जो जाम लगता है, अब इधर से कोई गाड़ी वैसे आ नहीं रहा हमारा, जैसे बिहार झारखंड से गाड़ी जो आता है तो उसी से रिपोर्ट मिल जाता है कि छाल का क्या पोजीशन है। तभी कोई गाड़ी आएगा तो उसे पूछेंगे क्या पोजीशन है छाल का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जाम लगा है क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी तो नहाने के लिए आए हैं, नदी है यहाँ पे, ये नदी में नहाने के लिए आए हैं। तो कल सुबह मर मेरा उस्ताद नहाया था, तो आज हम नहा रहे हैं। शायद थोड़ा मेरा तबीयत गड़बड़ चल रहा है एक महीना से। ठीक है दोस्तों, अभी नहा रहे हैं हम। दोस्तों शाम हो गया है और आए हैं चाय पीने के लिए। अभी हम लोग खरसिया पहुंचे हैं। इधर से आप लोग कोई आ रहा है क्या? धर्मगढ़ देने से? नहीं, धर्मगढ़ से कोई नहीं है। छाल में से जाम लग रहा है, क्या हो रहा है पूछना था। तो दोस्तों यही अभी चाय पी रहे हैं, शाम का टाइम है, बहुत अच्छा हवा अभी चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए पहाड़ी एरिया है, क्षेत्र है पूरा। तो दोस्तों अब लोग कमेंट आ रहा था कि सागर के विषय में कैसा है तबीयत उसका। पहले भी बता चुके हैं हम ये दो वीडियो को पहले भी कि सागर अभी बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग और भी कमेंट आ रहा था कि सागर कब तक आएगा, तो सागर रांची में आ जाएगा। अभी जाएंगे यहाँ से रांची, तो सुबह हम चला जाएगा घर। अब ये दिवाली नहीं मनाए, ये दिवाली मनाएगा। अगर हमको किस्मत साथ दिया, वहाँ से लोडिंग वोडिंग में समय लग गया वैसा, तो हम भी रांची में गाड़ी खड़ा कर जा सकते हैं घर। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं सागर आने वाला रांची, रांची पहुंचेंगे तो रांची आ जाएगा वो, और सुबह में चला जाएगा। देखते हैं छाल उल का पोजिशन क्या है, जाम जुम का अभी पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं अभी यहाँ से। यही है दोस्तों छाल वाला जाम, तो जम्फर वाला पूरा रोड छेक के रोड में लगा देगा गाड़ी, तो हम लोग डाला गाड़ी वाला कहाँ जाएंगे बताइए। अभी आगे से कोई गाड़ी आ जाए, अब बगल से में देख रहे हैं बाएं साइड में कितना गड्ढा है, दाहिना साइड में। तो अभी देखिए आगे से गाड़ी नहीं आ रहा तो जा रहे हैं। रास्ता में एक तरफ का पूरा गाड़ी लगा दिया, अब आगे से गाड़ी आता है जो सीधा जाने वाला, परेशानी तो हो रहा है। ये मेन रोड है रांची जाने वाला, अब इसके में ये हालत है। देखिए इन लोगों को कहीं साइड में पार्किंग देना चाहिए था, वहां से नंबर से गाड़ी बुलाता। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं खाना खाने धर्मजयगढ़ में। ये यहाँ महेश होटल का ये पहचान है, इतना बड़ा गिलास पूरा पानी, एक बार दे देगा दोबारा मांगने का जरूरत नहीं है पानी, एक ही गिलास में। तो वही हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। अब धर्मजयगढ़ घाटी वगैरह जानते हैं, थोड़ा माल तो ऐसा है नहीं कटिंग वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है, माल काटता है धर्मजयगढ़ घाटी में। ठीक है दोस्तों, खाना खाते आता है खाना, अभी खाते हैं खाना। ये हमारा आ गया सब्जी, राहर दाल और थोड़ा अंडा डाल डलवाए हैं इसमें, और यही हम लोग खा रहे हैं आज।
दोस्तों अभी खाना वाना खा कर आ गए हम लोग। अब यहाँ हम लोग अभी सो रहे हैं, यहाँ से फिर उठेंगे 4-5 बजे सुबह, चलेंगे घाटी है, धर्मजयगढ़ घाटी वगैरह है, ये सब पार करेंगे। थोड़ा रास्ता भी ख़राब है, तो मेरा तो आदत है कि रिक्स लेते नहीं कोई चीज़ में, हम भले एक दिन लेट हो जाए वो ठीक है, लेकिन रिक्स लेना नहीं है। अभी माल जी मेरा माल काटने वाला नहीं है, लेकिन चोर चमार चढ़ जाएगा पीछे से चढ़ाई में, तिरपाले फाड़ देगा तो नया तिरपाल बर्बाद हो जाएगा मेरा, क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम है और बहुत सा गाड़ी में परचून लोड होकर जा रहा है गाड़ी, कपड़ा वगैरह जो भी है, तो हो सकता है धोखा से लोग समझेगा कि इसका भी हाइट माल है तो परचूने होगा, तिरपाल वाल फाड़ देगा तो नुकसान हो जाएगा। माल तो नहीं निकलने वाला है, माल तो ऐसा जानबे करते जो हाइड्रा से माल उतरने वाला ही सब है, तो तिरपाल बर्बाद हो जाएगा मेरा, तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, यहीं पर रुक रहे हैं, सो रहे हैं, यहाँ सुबह उठ के फिर निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।